नमस्कार। संडे को ही हॉलीडे क्यों होता है? भारत में रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई? क्या 2020 से 130 साल पहले शुरू हुई थी संडे की छुट्टी? क्या संडे के अलावा किसी और दिन भी छुट्टी होती है? अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। संडे को छुट्टी होने की वजह जानने से पहले ये जान लेते हैं कि संडे के अलावा भी किस दिन छुट्टी होती है। दोस्तों, आज का दौर है ग्लोबलाइजेशन का। अब सिर्फ पुरानी नौकरियां या काम धंधे नहीं हैं जो एक ही धर्रे पर चलते रहें और एक ही दिन यानी संडे को छुट्टी रखी जाए। आज के दौर में कई ऐसे सेक्टर हैं जहां दिन रात काम होता है, हफ्ते के सातों दिन काम होता है। ऐसे में अगर कॉल सेंटर्स, मीडिया हाउसेस, टीवी न्यूज चैनल्स और बाकी ग्लोबल बिजनेसेस संडे को ही छुट्टी रखने लगे तो हो गया काम। संडे को सभी एम्प्लॉयज को छुट्टी देने पर इन्हें एक दिन के लिए अपना काम रोकना पड़ेगा, इसीलिए इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयज को हफ्ते के अलग अलग दिन छुट्टी दी जाती है। जैसे किसी को सोमवार को, किसी को मंगलवार को और किसी को हफ्ते के किसी और दिन। इसी तरह से सभी को छुट्टी मिल भी जाती है और कंपनी का काम भी नहीं रुकता। कई कंपनियां तो अपने एम्प्लॉयज को हफ्ते में दो दिन की छुट्टी देती हैं। अब आते हैं इस पर कि ज्यादातर जगहों पर छुट्टी संडे को ही क्यों होती है। इसका जवाब आपको मिलेगा अंग्रेजों के दौर की कुछ घटनाओं से। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेज अधिकारी खुद संडे की छुट्टी लेते थे। क्रिश्चियनिटी में संडे यानी रविवार प्रार्थना का दिन है। अंग्रेजों के लिए वो दिन होता था जब वो चर्च जाकर प्रेयर करते थे। खास बात यह है कि अंग्रेज अधिकारी खुद तो संडे की छुट्टी ले लेते थे लेकिन भारतीय मजदूरों को हफ्ते में एक भी दिन छुट्टी नहीं देते थे। भारतीय मिल मजदूरों को हफ्ते के सातों दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अंग्रेजों की इसी सोच के खिलाफ आवाज उठाई श्री नारायण मेघाजी लोखंडे ने। भारत में 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिलों के कामकाज के तौर तरीकों में बदलाव का पूरा क्रेडिट लोखंडे को जाता है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि अंग्रेजों के लिए काम करने वाले भारतीय मिल मजदूरों को हफ्ते में एक दिन अपने समाज और देश की सेवा के लिए भी मिले। लोखंडे ने मांग रखी कि रविवार हिंदू देवता खंडोबा का दिन है, इसीलिए रविवार यानी संडे के दिन मिल मजदूरों को भी छुट्टी दी जाए। लेकिन अंग्रेजों ने लोखंडे की मजदूरों के लिए वीकली ऑफ की यह मांग ठुकरा दी। हालांकि लोखंडे फिर भी मजदूरों के लिए एक साप्ताहिक अवकाश के लिए संघर्ष करते रहे और आखिरकार अंग्रेजों ने 10 जून 1890 में मजदूरों के लिए संडे को वीकली ऑफ घोषित कर दिया। मजदूरों के लिए श्री नारायण मेघाजी लोखंडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो इस जानकारी के बाद अब हम कह सकते हैं कि भारत में 1890 में यानी 2020 से 130 साल पहले रविवार की छुट्टी शुरू हुई। इसके अलावा देश ऐसे हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। अगर ऐतिहासिक कारणों को छोड़ दें तो हफ्ते में कम से कम एक दिन की छुट्टी की जरूरत इसलिए होती है ताकि इंसान 6 दिन की काम की थकान और तनाव को मिटा सके और अपने परिवार को वक्त दे सके। एक दिन के ब्रेक के बाद तरोताजा होकर कोई भी शख्स अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। नमस्कार।